अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सब के नजर। T9 न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। मुबारक हो आपको मोदी सरकार की तरफ से दिवाली का एक और गिफ्ट मुबारक हो। महंगे टमाटर से शायद अभी आपने राहत ली ही होगी कि मोदी जी ने अब आपको महंगे प्याज का एक और नया दिवाली गिफ्ट थमा दिया है। मोदी सरकार ने प्याज महंगी कर दी है। प्याज के दाम 57% बढ़कर सीधा 100 रुपए किलो के दाम पर पहुंच गए हैं। यानी कि जो 1 किलो प्याज आप सिर्फ 20 से 30 रुपए के दाम पर खरीद रहे थे, वही 1 किलो प्याज अब आपको सीधा 100 रुपए में मिलेगी। इतना ही नहीं, यही प्याज हर रोज 10 से 20 रुपए किलो महंगी होती जा रही है, जिससे जल्द ही प्याज के दाम 150 रुपए के भी पार पहुंच सकते हैं। यानी कि प्याज के बढ़ते दाम अब आपको बहुत रुलाने वाले हैं। और प्याज के साथ साथ टमाटर के दाम भी 50 रुपए किलो पहुंचा दिए हैं। गरीब मजदूरों और किसानों का प्याज और रोटी जैसा साधारण भोजन भी मोदी जी ने उनके नसीब में नहीं छोड़ा। गेहूं, आटा, टमाटर, प्याज, दालें, पेट्रोल, हर चीज के दाम बढ़ाकर मोदी जी ने आम आदमी का जीना पूरी तरह से दुश्वार कर दिया है। झूठे वादे और गरीब जनता को बेहिसाब आंसू, यही भाजपा ने पिछले 9 सालों में दिया है। लेकिन आप अब इन चुनावों में सही फैसला लीजिए और इस दायन महंगाई से छुटकारा पाइए।